तुम्हारे बाबा के वहां पहुंचने तक उम्रा वहां से जा चुकी थी। वहां पर मौजूद चंद औरतें तुम्हें मनहूस मनहूस और काला जादू का वरदान करते हुए भाग गईं। तुम्हारे बाबा अंदर गए और तुम्हारी माँ की हालत देखकर शायद कुछ कर बैठते, पर तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने खून का घूंट पी लिया और वो उन्होंने तुम्हारी परवरिश पर ही अपना पहला मकसद बना लिया। इसी दौरान वो वुमरा से लड़ने की तैयारी करने लगे। कुछ अरसे बाद वो काले जादू का एक नया मंत्र या चिल्ला करना शुरू कर देते। बस्ती वाले तुम्हें तो मनहूस कहते ही थे, उन्हें तुम्हारे बाबा के बारे में भी शक हो गया कि वो काला जादू जानते हैं, इसलिए गांव के मुखिया ने उनको गांव से चले जाने का कहा। वो तुम्हें लेकर तुम्हारी मौजूदा घर में चले गए और फिर उनकी और वुमरा की सर्द जंग छिड़ गई। तुम्हारे बाबा खुद को सफ़ेद जादू की मदद से बचा लेते तो वुमरा खुद को काले जादू से। वुमरा को तुम्हारी माँ को मारना काफ़ी था, इससे वो तुम्हारे बाबा को ये समझा गई कि वो कभी भी उसके बेटे को भी नुकसान पहुँचा सकती है। वो तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे बाबा को भी मजबूर करना चाहती थी। फिर तुम जब कुछ बड़े हो गए तो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ऊपर कुछ पढ़ा जिसकी वजह से वुमरा तुम्हें छू भी नहीं सकती थी। वुमरा ने अब बहुत जोर लगाया, पर तुम्हारे बाबा क्या मजबूर होते, वो तो तुम तक पहुंचने से भी रही। अब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अपनी और वुमरा की जंग से दूर रखने के लिए तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वुमरा ने काफ़ी जोर लगाया, तुम्हारे बाबा को अपने हुस्न का लालच दी, पैसों की गर्ज, हर चीज़ की लालच दी, पर उन्होंने ना मानना था और ना वो माने। फिर कुछ अरसे खामोशी छा गई। तुम्हारे बाबा ने मुझे भी शहर भेजा था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूं। मैंने हर वक्त तुम्हारे ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। बहुत अरसा हो गया था हमें वुमरा की शक्ल तो दूर, उसका नाम भी नहीं सुनाई दिया। यूं समझो हम उसे काफ़ी हद तक भुला चुके थे, पर तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। हर वक्त उन्हें याद करना ही उनका मकसद था। काले जादू में बड़ी ताकत है, ये तुम्हें हवा में उड़ा सकता है, तुम्हें सबके सामने गैब कर सकता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश उसके ज़रिए पूरी हो सकती है, पर तुम्हें पता है ये तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लेता है। तुम सोना चाहोगे पर नींद कोसों दूर होगी। तुम नींद से आंख मचोली करते करते नींद की वादी में चले जाओगे, पर वो सुकून महसूस कर सकोगे जो तुम अब सोकर करते हो। हर दम किसी दूसरे जादूगर के हाथ मौत का खतरा मौजूद रहता है। तुम्हारे बाबा के साथ भी यही होता रहा, वो बीमारियों में घिर गए, बुढ़ापा वक्त से पहले उन तक आन पहुंचा। सफ़ेद जादू से उनको अपनी मौत का इल्म हो चुका था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उनकी वो शक्ल ही नहीं थी जो पहले थी। मुझसे कहने लगा, आज सफ़ेद जादू ने बता दिया है कि मेरा बुलावा आन पहुंचा है, अब सफ़ेद जादू मेरे किसी काम का नहीं है। मैं ये कर्ज तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी काम कर लूँ, आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने घर के नीचे तहखाने में ले गए थे। ये तहखाना उन्होंने खुद अपनी जादुई ताकतों से बनवाया था। वो मुझे इसमें ले गए। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आफ्ताब को जब तक हो सके जादुई दुनिया से बाहर रखना, लेकिन एक दिन आएगा जब ये काली दुनिया उसे खुद बुलाएगी, तब आफ्ताब के पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस वक्त के लिए मैं अपनी ताकतें छोड़कर जा रहा हूँ और इस वक्त तुम्हें आफ्ताब का साथ देना होगा। फिर उन्होंने मुझे सफ़ेद जादू का एक मंत्र पढ़ने को कहा और ख़ुद भी कुछ पढ़ते हुए इस कमरे की दीवारों पर फूकें मारने लगे। कुछ देर बाद वो एक मेज़ के गिर्द चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने जेब से एक सिक्का निकाला जो कि सोने का था और उसे मेज़ पर रख दिया।
फिर उसी मेज के कोने पर बैठ गए और अपनी हाथ की एक नब्ज काट दी और इस सिक्के को खून से भगोने लगे और कुछ पढ़ने लगे। हैरत अंगेज तौर पर वो सिक्का सारा खून अपने अंदर जज़्ब कर रहा था। तुम्हारे बाबा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, अब अगर उसी रफ्तार से खून गिरता रहता तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता। मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। काफ़ी देर तक वो अपना खून गिराते रहे और कुछ पढ़ते रहे, फिर अचानक खून रुक गया और उनके चेहरे पर मुस्कराहट दौड़ गई। वो पसीना पसीना थे, उनका चेहरा जर्द हो चुका था। वो मेज़ से नीचे उतरे तो लड़खड़ा गए। मैंने आगे बढ़कर उनको संभाला, वो मुझे तहखाने से बाहर ले गए। मैंने उनको एक चारपाई पर लिटाया, तब उन्होंने कहा कि ये तहखाना अब महफूज हो चुका है, अब इसमें आफ्ताब और तुम्हारे अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता, मगर सिवाय उसके जिसे तुम खुद अंदर ले जाओ। जब आफ्ताब को जादुई दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया जाएगा तब उसे जादू की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अपने तमाम जादू इस सिक्के में रख दिए हैं। वो सारा खून जो निकल रहा था वो मेरा काला जादू था जो मैंने उस सिक्के में मुंतकिल कर दिया है। अब मेरे पास सफ़ेद जादू बचा है। जब आफ्ताब को जादू की ज़रूरत पड़ेगी उसे कहना कि वो इस सिक्के को निगल लेगा, मेरा तमाम जादू उसे मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त तक जब तक सिक्का उसके अंदर रहे तब तक, अगर वो निकाल लिया गया तो जादू ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, ये सिक्का सिर्फ आफ्ताब इस्तेमाल कर सकता है, किसी और के लिए वो सिक्का बेकार है, और ये कमरा जिसमें सिक्का है हमेशा महफूज रहेगा। फिर तुम्हारे बाबा की सांस अटकने लगी, मैंने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत संभली तो उन्होंने मुंह में से कुछ पढ़ा और मेरी तरफ फूंक मार दी, और इस वक्त उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। वो अपना सफ़ेद जादू मुझे दे चुके थे, अब उन्होंने कहा कि मैं उनको मार दूं, पर मैं ये कैसे कर सकता था। इसी दौरान उमरा का कहकहा फिजा में गूंजा, वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज़ गूंजी कि मैं इस पल का कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम किसी को अपना सफ़ेद जादू दो, तुम्हारी ताकतें ख़त्म हों और मैं अपना बदला लूं। आज वो पल आ गया। तुम्हारे बाबा के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें मार दूं, पर मैं हिचकिचा रहा था। इसी दौरान उमरा ने कुछ पढ़कर तुम्हारे बाबा के ऊपर फूंका, और उनके साथ भी वही हुआ जो तुम्हारी माँ के साथ हो चुका था। इनको भी पैरों से नीली आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मैंने अपना सारा जोर लगाया पर वो आग ना बुझा सका। वो आग फैलती हुई ऊपर की तरफ जाने लगी। मैंने उमरा पर अपने कुछ जादू इस्तेमाल किए पर उसे कुछ असर नहीं हुआ। वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, उल्टा उसने अब मेरे ऊपर जादुई वार किया, पर वो मेरा कुछ बिगाड़ ना सकी क्योंकि तुम्हारे बाबा का दिया हुआ तवीज़ मेरे गले में मौजूद था। इसी दौरान तुम्हारे बाबा मुझे चीख चीख कर उन्हें खंजर से मारने का कह रहे थे। आग उनकी नाफ तक पहुंचने वाली थी, अब अगर वो ऊपर और ऊपर जाती तो मुझे दिया हुआ सफ़ेद जादू बेकार हो जाता। अब उन्होंने मुझे तुम्हारा वास्ता दिया कि अगर मैंने उन्हें ना मारा तो आफ्ताब मारा जाएगा। बस फिर मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था।